Kangana, you know, at a time when our leading news channel sacks its editors for writing or reporting against the PM or the government, is there a fear among film artists also to speak against establishment or make political content? I think most of my contemporaries don't talk about it, because obviously I was hearing some other days, one of my contemporaries was saying that we pani electricity ki problem nahi hai, hum kyun baat kare? That hurts, you know, like you cannot talk like that, huh? What kind of an individual talks like that? You are a part of this country, and it's not just about you. Aapke ghar pe pani aaya to theek hai, aapke padosi ke nahi aaya to theek hai, lekin agar aapke chacha ji ke nahi aaya to aapko dard hua. So this attitude is not good, aur mujhe lagta hai ki hamesha hi artists ka ye kehna, are hum to problem mein pad jate hain, hame baat nahi karni chahiye. आप बात नहीं करेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लिए 25 मीडिया कैमराज इकट्ठे होते हैं, तो कौन बात करेगा? फिर आप फिर सक्सेसफुल हैं क्यों? फिर आपका मायना क्या है सक्सेस का? अपने पैसे कमाए, अपना खाए पिए, मस्ती की, दिस इज़ नॉट द रियल. आपको पेडेस्टल पे इसलिए नहीं रखा हुआ है कि आप अपनी छोटी सी जिंदगी जी के चलते बने. आपको पेडेस्टल पे इसीलिए जनता ने रखा हुआ है कि आप उनके बारे में भी सोचें. कंगना, दो चीज़ें, आयु स्पिरिचुअल और ये योगी का थाट कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है आपकी, आप सबको छोड़ छाड़ के, मतलब समाधि, मतलब समाधि, सबको छोड़ छाड़ के समाधि, आई होप इतना मुझ में आए कुछ विजन या भगवान की ग्रेस हो. लेकिन अभी तो आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन एवरी डायरेक्शन वेर एवर आई थिंक आई कैन. तो अभी छोड़ने का वक्त नहीं है, अभी तो वी विल डू थिंग्स, एंड देर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग. रानी लक्ष्मी बाई की आप बात कर रही थी, वहाँ पर एक सीन आपने बहुत वोकल है, जो हालात हैं देश में पॉलिटिकली भी आप बहुत वोकल है. हाल ही में आपने मोदी की काफी तारीफ की और कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की आप बात कर रही थी, उसका जवाब तो दिया ना मैंने. क्वेश्चन इज समथिंग एल्स. मैं ये कह रहा था, क्या कभी आप पॉलिटिक्स को एज अ करियर एक ऑप्शन के तौर पे देखेंगे? पॉलिटिक्स करियर नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है जब भी कोई इंसान, अगर मेरे जैसे इंसान को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तो उनको पहले तो वैराग्य हासिल करना चाहिए कि जब भी आपको जनता की सेवा करनी है, तो ऑब्वियसली इफ आई हैव अ फैमिली, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव टू गिव एवरीथिंग अप, एंड देन ओनली आई शुड बी एबल टू सर्व द कंट्री. आई थिंक दैट शुड बी द इंटेंशन. करियर पॉलिटिक्स में, करियर में इतनी सक्सेसफुल हूँ, अभी मेरा ये करियर है, मेरे को और कहीं करियर नहीं बनाना है. बट येस, इफ़ आई वॉन्ट टू सर्व माई लैंड, देन द ओनली ऑप्शन आई सी फॉर माई सेल्फ इज दैट आई कॉन्ट डू इट एज वेर आई हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन सम अदर डिपार्टमेंट, यू नो, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है. तो आई थिंक जो भी लोग करना चाहते हैं करना चाहिए, मगर उनको किसी तरह से जो है वैराग्य हासिल बताया कि चेंजेस की मांग, तो फाइनली क्या किया गया? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. कंगना मेरा सुन, नहीं मेरा भी लास्ट रहेगा, जो भी होगा लास्ट मेरा रहेगा. हम लोगों ने उसके बारे में बात की अभी. अगर मेरे पास इसका आंसर होता तो मेरा, आई गेव माई पर्सनल ओपिनियन इन साइड. आई मीन यू हर्ड that you feel conflicted, you know, you want to save the animals, but when the lynching happens you feel heartbroken. What is going on? You feel this is wrong, you know. So I spoke about it. Kangana, jaise refugee aur uski baat ki gayi thi, aapko lagta hai ki jaise aur bhi unhone kaha ki mila lena chahiye, aapko lagta hai with Mr. Imran Khan coming up in the neighboring country, do you think the things will improve between? Hopefully. I mean, we can only hope that we don't have to shed more blood. It's very unfortunate that our soldiers are dying, and of course the kind of speech Mr. Imran Khan has given is very, very nice, and I wish him all the best, and I with my folded hands I really hope and appeal that we have really beautiful relationship. स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसके उपलक्ष में आप कुछ कहना चाहेंगी और शुभकामनाएं भी हमारी सहयोगी
लेना चाहते पंखा लाओ और ए सी लाओ. ओके सो स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं सारे भारतवर्ष के लोगों को. थैंक यू.